हेलो स्टूडेंट्स, टेली प्राइम 3.0 की आज की इस क्लास नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम टेली प्राइम 3.0 में हमारी कंपनी के जो जनरल एक्सपेंसेस होते हैं उसकी एंट्री हम टेली सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से करते हैं। यानी कि जब हम टेली सॉफ्टवेयर में एक्सपेंसेस के हम लेजर क्रिएट करेंगे तो वहां पर हमें GST को इनेबल करना है या नहीं करना है, और हम वाउचर को देखकर टेली सॉफ्टवेयर में एंट्री किस प्रकार से करेंगे, या फिर हमारी कंपनी के द्वारा खुद के डेबिट नोट से एक्सपेंसेस की एंट्री को टेली सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से करेंगे। तो ये आज की क्लास बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल रहने वाली है वाउचर को देख के, और विशेषकर उन फ्रेशर अकाउंटेंट लोगों के लिए जो अभी टेली सॉफ्टवेयर को सीख रहे हैं या फिर उन्होंने किसी कंपनी में अभी जस्ट टेली सॉफ्टवेयर में अकाउंट मेंटेन करने की शुरुआत करी है। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप के नॉलेजेबल वीडियो टेली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, बिजी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, GST से रिलेटेड और इनकम टैक्स से रिलेटेड लगातार मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास नंबर 8 की। तो स्टूडेंट्स, हम टेली सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर हम दो प्रकार से एक्सपेंसिस की एंट्री करते हैं। यानी कि एक कुछ खर्चे हमारे बिजनेस के अंदर ऐसे होते हैं जिसका हमारे पास ऑफिशियली रिकॉर्ड रहता है। जैसा कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, हमने मान लीजिए हमने किसी पेट्रोल पंप से ये बाइक के अंदर हमने पेट्रोल खरीदा है, यानी कि एक्सपेंसेस हमने बाइक के लिए यूज किया है। या इसी तरीके से हमारी कंपनी के अंदर न्यूज़पेपर है और उस न्यूज़पेपर का भी हम बिल है जो यहाँ पर पे करते हैं। इसी तरीके से हम मार्केट से कई बार स्टेशनरी भी परचेज कर लेते हैं। तो अब कई बार ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनके हमारे पास हम उस कंपनी से जहाँ से हमने एक्सपेंसेस लिए है वहाँ से हम उसका बिल ले लेते हैं, ठीक है। और कई खर्चे ऐसे होते हैं जिसके हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, बट उनके लिए हमें हमारी कंपनी के खुद के ही हमें डेबिट नोट है जो तैयार करने पड़ते हैं। तो हमें दोनों को देखकर टेली सॉफ्टवेयर में एंट्री को किस प्रकार से पास करना है। तो सबसे पहले हम टेली सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और हम सबसे पहले इस वाउचर को हम ओपन करेंगे। अब मान लीजिए ये हमारे पास एक न्यूज़पेपर एजेंसी का है, कोई भी हो सकता है एक्सपेंसेस, और हमने एग्जाम्पल के लिए इसको यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमने 2 जुलाई को न्यूज़पेपर एजेंसी को 120 रुपया अखबार के बिल की पेमेंट करी है। तो अब हमने हमारे पास हालांकि ये इनवॉइस आया हुआ है, ठीक है, इनवॉइस का बिल नंबर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन अब हमारे पास कोई बिल का नंबर लगा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी प्रोडक्ट हमने परचेज की। तो बिल नंबर तो कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदोगे तो उस कंपनी के लिए, यानी कि जिससे आपने खर्चा किया है, जिससे आपने प्रोडक्ट खरीदे हैं, तो उस कंपनी के लिए तो वो एक तरीके की सेल ही होती है, लेकिन वो हमारी परचेज बनेंगी कि नहीं बनेंगी वो हमारी कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए न्यूज़पेपर एजेंसी ने हमारे को राजस्थान पत्रिका के मान लीजिए अखबार है जो सेल किए, तो अब इसका मतलब ये भी हमने अखबार परचेज किए, ये कि हमारी कंपनी के लिए खर्चा बन चुका है। तो हम इसका लेजर किस प्रकार से क्रिएट करेंगे, तो टेली सॉफ्टवेयर में चलते हैं, क्रिएट पर हम जाएंगे, लेजर पर हम जाएंगे, और उसके बाद में हम यहाँ पर एक न्यूज़पेपर हेड के नाम से एक लेजर को क्रिएट करेंगे। और अब इसका ग्रुप हम रखने वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करेंगे तो उसके बाद में डिटेल पूछी जाएगी भी क्या आप जो खर्चा अभी आप पे करोगे या जो एक्सपेंसेस का लेजर आपने क्रिएट किया है उसके ऊपर GST एप्लीकेबल होती है या नहीं होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस इनवॉइस के अंदर कोई भी GST है जो लगा हुआ नहीं है, सिंपल इनवॉइस है, ठीक है ना। तो इसलिए हम सॉफ्टवेयर में क्या करेंगे, GST एप्लीकेबल को हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से एक हमारे पास में हमने राम पुस्तक भंडार से कुछ कंपनी के लिए ऑफिस यूज के लिए हमने पेन या फिर फाइलें, स्टेशनरी कुछ भी हमने परचेज किया हुआ है, तो अब हमारे पास यहाँ पर भी एक इनवॉइस आया हुआ है, लेकिन अब हमने ये पेन वगैरह खरीदा है तो अगर हमने ये रीसेल पर्पज से खरीदा हुआ, यानी कि हमारा कंपनी का काम यही भी हम पेन खरीद के या फाइल खरीद के हम आगे सेल करेंगे तो ये हमारे लिए परचेज वाउचर होता है, लेकिन अब हमारी कंपनी का काम अलग है और ये हमने एज ए ऑफिशियली यूज के लिए पेन वगैरह खरीदे हैं तो ये हमारी कंपनी के लिए अब खर्चा बन चुका है। तो हम यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का नाम देने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर हेड डालेंगे स्टेशनरी का, क्योंकि उसका पर्टिकुलर कॉमोडिटी आ जाती है। तो यहाँ पर हमने एक स्टेशनरी एक्सपेंसेस के नाम से एक लेजर हम क्रिएट करेंगे, ये भी हमारी कंपनी के लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और GST इसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होती है, तो हम इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे। तो ये तो थे वो खर्चे जिनका हमारे पास ऑफिशियली रिकॉर्ड था। अब कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जिसका हमारे पास ऑफिशियली रिकॉर्ड है जो होता नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसा कि हमने
हमारी खुद की कंपनी है, स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी, और वहां पर हमारी खुद की कंपनी के डेबिट नोट वाउचर है जो तैयार किए हुए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको ये समझेंगे भी डेबिट नोट तो केवल परचेज रिटर्न की कंडीशन में बनाए जाते हैं, तो सभी डेबिट नोट परचेज रिटर्न नहीं होते और सभी डेबिट नोट कोई खर्चे नहीं होते। डिपेंड करता है आपके सामने वाउचर किस टाइप के हैं और कौन सी कंपनी के हैं। तो ये डेबिट नोट हमारे वो सेल्फ मेड वाउचर है, यानी कि वो ऐसे खर्चों के अगेंस्ट में ये डेबिट नोट वाउचर है जो तैयार किए जाते हैं कंपनी की तरफ से, यानी कि ऐसा कोई भी खर्चा जो हमारी कंपनी की तरफ से हो चुका है लेकिन उसके अगेंस्ट में हमारे पास कोई भी ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि उसने कर्मचारी ने या जिससे हमने खर्चा किया वहां पर हमारे पास कोई भी इनवॉइस उसका नहीं है, लेकिन कंपनी का खर्चा तो हो चुका है, बट उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी खुद की कंपनी का ये डेबिट नोट हम तैयार कर लेते हैं। अब ये डेबिट नोट कैश पेड टू, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस एक्सपेंसेस, यानी कि ये हमने ऑफिस एक्सपेंसेस के पर्पस से ये खर्चा किया हुआ है 150 रुपए का, और यहाँ पर हमने एक जनरेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। किसके अगेंस्ट में दिया हुआ है, भी हमने कंपनी के लिए कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह या कुछ भी आपका एक्सपेंसेस हो सकता है, तो जनरेशन में हमने एज ए इसका डिटेल देने के लिए भी ऑफिस एक्सपेंसेस किस पर्पस से, ब्रेकफास्ट के पर्पस से। तो ये नहीं है ब्रेकफास्ट मार्क करते हैं, हम ऑफिस का जो मेन एक्सपेंसेस का जो लेजर क्रिएट करेंगे वो ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से क्रिएट करने वाले हैं, तो हम इसके भी एक लेजर क्रिएट करेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से। ये भी हमारी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होती नहीं है, तो हम इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे। और इसी तरीके से एक हमारे पास वाउचर और है मुकेश कुमार के नाम से। अब यहां से हमने केस पेड किया मुकेश कुमार को, ये हमारी कंपनी का एम्प्लॉई है, लेकिन यहां पर हमने किस पर्पज से दिया हुआ सैलरी दी है, यानी कि एडवांस सैलरी है। तो अब हमें यहां पर फिलहाल सैलरी का लेजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम यहां किसका लेजर क्रिएट करेंगे, एक बार मुकेश कुमार का लेजर क्रिएट करेंगे। तो सैलरी की एंट्री कब होगी हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक मुकेश कुमार के नाम से एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, और इसके आगे हिंट में हम यहां पर भी लिख देंगे इंप्लॉय, क्योंकि कल के हमारे पास में मुकेश कुमार के नाम से कोई एक कस्टमर भी हो सकता है, तो इसलिए हम इसके आगे हिंट दे दिया ये हमारा कंपनी का एम्प्लॉय है। ठीक है, अब बात आएगी हम इसका ग्रुप क्या रखेंगे। ठीक है, हम इस तरीके को एक तरीके से हम इसको एडवांस पे कर रहे हैं, तो हम इसको एज ए लोन एंड एडवांसेस के अंदर रखने वाले हैं, क्योंकि अब न तुम्हारा ये कस्टमर है न अब ये फिलहाल एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस हमारा कब बनेगा, जब हम सैलरी की एंट्री करेंगे तब हमारा एक्सपेंसेस की एंट्री होने वाली है, तो हम इसको लोन एडवांसेस में रखते हुए इसको हम रखेंगे, और इसको हम रखेंगे अनरजिस्टर्ड पे और एंटरप्राइज करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो अब हम करेंगे इनकी वाउचर की एंट्री किस प्रकार से करनी है, वाउचर पे चलेंगे, सभी वाउचर की अब जो एंट्री रहने वाली है वो पेमेंट वाउचर में रहेगी। तो अब सबसे पहले हम उन सभी वाउचर्स की एंट्री करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर ये न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस का हमने पेड किया था, तो अब हम यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो वाउचर नंबर है बिल नंबर 0247 और डेट यहाँ पर रहने वाली है 2 जुलाई की, और यहाँ पर अभी हमने जो न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस का नाम से लेजर क्रिएट किया था वो उसको हम सेलेक्ट करेंगे, और इसकी अमाउंट यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे 120 रुपये की, और क्रेडिट हम करने वाले हैं इसको कैश। अब यहाँ पर ये एक दो कंडीशन के अंदर एंट्री हो सकती है, अगर मान लीजिए आपने इस इनवॉइस का भुगतान कर दिया है तो आपकी एंट्री ये रहने वाली है न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे और कैश को हम क्रेडिट करेंगे। अगर आप मान लीजिए इसका भुगतान अभी करने वाला बकाया पड़ा, आपके पास केवल इनवॉइस पहुंचा है, पेमेंट अभी तक आपने करी नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक जनरल वाउचर एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पर हम न्यूज एक्सपेंसेस पेपर को तो यहाँ पर फिर भी हम डेबिट करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम उस कंपनी के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे जिसको अभी हमें भुगतान करना है, यानी कि न्यूज पेपर एजेंसी के नाम से एक लेजर क्रिएट और हो जाएगा, अंडर में हमारी ये लाइबिलिटी बन चुकी है, यानी कि हम न्यूज पेपर एजेंसी को अभी भुगतान करना है, खर्चा हो चुका है बट अभी इसका भुगतान नहीं किया हुआ है, तो इस कंडीशन के अंदर न्यूज पेपर एजेंसी का हम एक लेजर यहां पर क्रिएट करेंगे। ये होता है अगर आपने भुगतान पेबल है अभी तक, आप न्यूज पेपर एजेंसी के नाम से हम लेजर क्रिएट कर दिया। तो अब हमारी एक तरीके ये कि ये करंट लाइबिलिटी है जो बनने वाली है, इसको हम करंट लाइबिलिटीज के अंदर रखेंगे। आप चाहो तो इसको एक बार सेंट्री क्रेडिटर के अंदर भी रख सकते हो, क्योंकि आपका एक्सपेंसेस मतलब ये जो अकाउंट है आगे जाके कंप्लीट हो जाएगा, तो आप करंट लाइबिलिटीज या सेंट्री क्रेडिटर दोनों में किसी के अंदर भी आप इसको रख सकते हो, बट मैं ये एंट्री करने वाला नहीं हूँ, लेकिन आपको मैंने फॉर एग्जांपल बताया प्रैक्टिकल के तौर पे भी, अगर आपका कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जिसका भुगतान करने वाला बकाया पड़ा हो उस कंडीशन में हम जनरल वाउचर की एंट्री पास करते हैं। नेक्स्ट वाउचर पर हम चलते हैं, जिसका अभी हमने स्टेशनरी का एक लेजर हमने क्रिएट किया था। तो अब मान लीजिए इसी का अगर हमने भुगतान कर दिया है तो पेमेंट वाउचर हम इसका यूज करने वाले हैं,
और यहाँ पे पेमेंट वाउचर के अंदर इसका भी वाउचर नंबर हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस की एंट्री करेंगे अमाउंट 245 और कैश। उसके बाद में नरेशन के अंदर में इसकी डिटेल लिख देंगे भी हमने ये भुगतान किसको किया है, क्या हमने परचेज किया था, जैसे कि हमने राम पुस्तक भंडार से ये गुड्स कुछ परचेज हमने किए ऑफिस पर्पज से, राम पुस्तक भंडार इनवॉइस नंबर वगैरह क्या क्या हमने परचेज किया है, तो ये सारा डिटेल हम इस नरेशन के अंदर लिख सकते हैं इन फ्यूचर की डिटेल को देखने के लिए, और एंटरप्राइज करेंगे एक्सेप्ट करेंगे। तो ये तो था अगर हमने भुगतान कर दिए, अगर हमने इसका भुगतान भी करने वाला बकाया पड़ा होता तो सेम उसी हम जर्नल वाउचर में एंट्री पास करते, स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट करते और राम पुस्तक भंडार का एक लेजर अलग से क्रिएट करते, वो भी हमारा करंट लाइबिलिटी या सैलरी क्रेडिटर के अंदर हम उसको रख सकते हैं। बाद में जब भी इसको पेमेंट करेंगे तो हम राम पुस्तक भंडार के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैश को उस कंडीशन में क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर आपका ऑफिस जो खर्चा है वो ऑलरेडी कैश में हो चुका है तब उस कंडीशन में हम पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। और उसके बाद में हम बात करेंगे जो हमने कंपनी की जो डेबिट नोट से हमने जो लेजर क्रिएट किया था ऑफिस एक्सपेंसेस, अब ये ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट नोट हमने यूज कर लिया, इसका मतलब ये हमने कैश पेमेंट है जो कर चुके हैं, तो इस कंडीशन के अंदर भी हमारा कंपनी का जो डेबिट नोट है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। और उसके बाद में हमने ऑफिस एक्सपेंसेस नाम से एक लेजर क्रिएट किया था और अमाउंट हमारी 150 रुपये की, क्रेडिट हम करने वाले हैं यहाँ पर कैश को, और यहाँ पर भी नरेशन के अंदर हम लिख देंगे ये जो एक्सपेंसेस हुआ है ऑफिस का 150 रुपये का वो इसका रीज़न क्या है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये ब्रेकफास्ट है, डिनर है, लंच है, या कोई और भी हमने जनरल कोई मिसलेनियस आइटम हमने कोई परचेज कर लिया है तो वो इस चीज़ का हम डिटेल यहाँ पर लिख देंगे एक्सेप्ट करेंगे। और उस बाद के अंदर हमने एक सैलरी की भी एंट्री मुकेश कुमार के नाम से एडवांस सैलरी की एंट्री हमने करी थी, तो इसकी हमने पेमेंट जो करने वाले हम डेबिट नंबर 2 से, अब हमने जो मुकेश कुमार के नाम से जो लेजर क्रिएट किया था उस अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे 1000 रुपये से और हम कैश को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एडवांस सैलरी, एंटरप्राइज करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम इसके वाउचर की एंट्री करेंगे। तो अब बात आएगी जब हमने इसको सैलरी पे करी तो हमने सैलरी अकाउंट को डेबिट क्यों नहीं किया, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कोई फिक्स अमाउंट नहीं लिखी हुई है, भी इसकी सैलरी है वो 1000 रुपये ही है। अब इसकी सैलरी 500 रुपये पर मंथ भी हो सकती है और इसकी सैलरी 10000 रुपये पर मंथ भी हो सकती है, अभी तक इस वाउचर के अंदर वो चीज़ें नहीं लिखी जाती भी इसकी सैलरी कितनी बनती है, यहाँ पर केवल वो अमाउंट लिखी जाती है जिसका हम भुगतान कर रहे हैं। अब मान लीजिए इस एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 9000 रुपये या 10000 रुपये 11000 रुपये पर मंथ की लेता है, तो यानी कि जब इसका 31 जुलाई आएगा तो 31 जुलाई के अंदर इस एम्प्लॉय के 9000 रुपये बन जाएंगे अगर इसके 9000 रुपये पर मंथ की सैलरी है तो। उस कंडीशन के अंदर हम एंट्री क्या करेंगे, 31 जुलाई को वो एंट्री होने वाली है और जनरल वाउचर के अंदर उस एंट्री को हम पास करेंगे। अब यहां पर हम एक सैलरी का लेजर है जो क्रिएट करेंगे सैलरी का, और ये हमारी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं कर रहे हैं, नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। और अब मान लीजिए हमने 9000 रुपये उस कस्टमर मतलब मुकेश कुमार के एम्प्लॉय को हम पेमेंट करते हैं पर मंथ, तो 9000 रुपये हम इसको सैलरी एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे और मुकेश कुमार के अकाउंट को यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भी सैलरी मंथ ऑफ जुलाई, एंटरप्राइज करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले हम जितने भी हमने एंट्री करी है ये एंट्री अब कहाँ जाने वाली है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने के लिए हम फाइनल अकाउंट पर चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन करेंगे, यहाँ पर एल्ट F1 के साथ डिटेल को ओपन कर लेंगे। तो अब यहाँ देख सकते हो ये जो जितने भी हमने एक्सपेंसेस की एंट्री करी है वो सारी एक्सपेंसेस की एंट्री अब यहाँ पर आ चुकी है, 365 रुपये की जो हमारी न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस एंट्री है, एंट्री प्रेस करेंगे, जो हमने दो एंट्रियाँ पास करी थी 245 रुपये की, तो ये हमारी स्टेशनरी एक्सपेंसेस में जाने वाली है, एंटर प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ पर देखोगे अलग अलग हेड बन चुके हैं सभी के, स्टेशनरी एक्सपेंसेस सैलरी हमारी कंपनी के लिए 9000 रुपये की रहेगी। अब ये नहीं है भी हमने 1000 रुपये पे किया तो हमारी कंपनी का खर्चा 1000 रुपये ही है, 1000 रुपये हमने उसको पे किया लेकिन कंपनी का खर्चा हर मंथ जो 9000 रुपये का रहता है। तो इस कंडीशन के अंदर सैलरी जितनी भी देते हैं उतनी हम डेबिट करते हैं। उसके बाद में हमारा ऑफिस एक्सपेंसिस था और एक हमारा न्यूज़पेपर एक्सपेंसिस था। तो अब बात आएगी फिर वो मुकेश कुमार का लेजर वो हमें कहाँ शो करता है, मुकेश कुमार का जो लेजर है वो हमारा बैलेंस शीट के अंदर हमें शो करेगा और वो शो हमें कहाँ करने वाला है, लोन एंड एडवांसेस में। उसका लेजर हमने ग्रुप जो दिया था वो लोन एंड एडवांसेस दिया था।
अब यहाँ देख सकते हो ये 8,000 रुपये माइनस के अंदर शो कर रहा है, क्यों कर रहा है, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप इसकी डिटेल देख सकते हो भी। इस एम्प्लॉय की 9,000 रुपये बनते हैं पर मंथ के, लेकिन अभी तक इसने 1,000 रुपये ही लिया है, तो अब हमारी कंपनी की ये लाइबिलिटी बन रही है भी, इसको अभी भी 8,000 रुपये का भुगतान करना बकाया पड़ा है, तो इसलिए अभी साइड में माइनस के अंदर आपको शो करेगा। जिस दिन हम इसका बकाया 8,000 रुपये का पेमेंट और कर देंगे तो ये 9,000 रुपये से इसका डेबिट हो जाएगा और 9,000 रुपये इसका क्रेडिट हो जाएगा, तो ये इसका जुलाई मंथ के अंदर इसका लेजर जो बराबर चलता रहेगा। अगर ये कम लेके जाएगा तो इसका भुगतान करने वाला रह जाएगा। अगर मान लीजिए ये पेमेंट हमारे से ज़्यादा ले लेता है, हम फॉर एग्जाम्पल इसी को 12,000 रुपये करते हैं जो हमने 1,000 रुपये पेमेंट किया था, तो इस कंडीशन के अंदर अब देखो अब क्या रहेगा भी, अब इसका 3,000 रुपया एडवांस हो गया, यानी कि इसके बनते कितने 9,000 रुपये, हमारे से ले कितने गया 12,000 रुपये, यानी कि अब 3,000 रुपये जुलाई मंथ के अंदर ये हमारे से एडवांस लेके चला गया। अगर हम इसको बैलेंस शीट में अब देखेंगे तो ये 3,000 रुपये माइनस में नहीं दिखाएगा बल्कि प्लस के अंदर दिखाएगा, यानी कि अब आपकी तरफ से ये आपने 3,000 रुपये की एडवांस पेमेंट आप कर चुके हो। तो इस तरीके से हम इन जनरल एक्सपेंसेस की एंट्री वाउचर को देख के और कंपनी के डेबिट नोट को देख के हम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भी हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम के बारे में और इनडायरेक्ट इनकम के बारे में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आपको इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी।